अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको एचएम इन्फॉर्मेशन अब के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस मेजर फैक्टर की जिसके बारे में हम सभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे पास जो कई बड़े बड़े ब्रांड जो फ़ोन लॉन्च करते हैं उनमें जो स्पेक्स पाई जाती हैं वो उन्हीं स्पेक्स का एक मोबाइल आपको चाइना की किसी कंपनी में बहुत कम रेट में मिल रहा होता है। अब इसकी क्या वजह है कि हमारे पास अगर वही जो फ़ोन हमारे पास सैमसंग हमें 60 से 70 हज़ार में प्रोवाइड कर रहा है, वहीं पर वही चाइनीज़ कंपनीज ऐसा ही सेम फ़ोन उन्हीं सेम स्पेक्स और उसी टेक्नोलॉजी के साथ हमको तकरीबन 30 से 40 हज़ार की रेंज में दे रहा होता है। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक ताकि आपको सारे फैक्ट्स और सारी चीज़ें पता चल सकें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास चार ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि एक ब्रांड के फ़ोन को बहुत ज़्यादा महंगा कर देते हैं और एक सिंपल चाइना के फ़ोन को बहुत ज़्यादा सस्ता कर देते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए इनोवेशन की तो हमारे पास सैमसंग और एप्पल अपने R&D डिपार्टमेंट पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, अपनी मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। उसके बाद अगर आ जाए तो उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं और कंपनी का साइज़ भी मैटर करता है। यानी कि हमारे पास टोटल चार चीज़ें आ जाती हैं, एक R&D, दूसरी हमारे पास मार्केटिंग, तीसरी हमारे पास स्ट्रेटजी और चौथा हमारे पास है कंपनी का साइज़। अभी काम किस तरह करते हैं, अगर बात की जाए एप्पल की और सैमसंग की तो एप्पल और सैमसंग हर साल अपने R&D डिपार्टमेंट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। अब इस चीज़ का उनको फ़ायदा क्या हो रहा होता है कि हर साल एक वो इनोवेटिव और नए आइडिया के साथ आगे आते हैं, यानी कि हर साल एक ऐसी प्रोडक्ट लाते हैं जो कि दुनिया के लिए बिल्कुल नई होती है और वही रिसर्च हमारे पास चाइना की कंपनीज उसी को कॉपी कर रही होती हैं, यानी कि उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च नहीं करने पड़ते। इसीलिए हमारे पास जो सैमसंग का जो या एप्पल का कोई भी ऐसा फ़ोन जिसमें तकरीबन 250 या 300 डॉलर्स आ रहे होते हैं, वही फ़ोन हमें 700 से 800 डॉलर्स तक का और कई फ़ोन से अब तो $1000 में भी मिल रहे होते हैं। तो इसी वजह से है कि उन पर R&D का जो खर्च होता है वो भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद अगर बात कीजिए मार्केटिंग की, अब मार्केटिंग काम किस तरह करती है कि अगर एप्पल ने या सैमसंग ने अपना कोई फ्लैगशिप मोबाइल लॉन्च करना होता है तो उसके लिए मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पर की जाती है। आपको सोशल मीडिया पर, आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, आपको आमतौर पर बैनर्स में, बड़ी बड़ी दुकानों पे आपको होर्डिंग्स मिलते हैं, आपको जगह जगह पर उनके कमर्शियल्स और मार्केटर्स मिल जाते हैं जो कि उस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ में भी हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। तो उस चीज़ का भी खर्चा आमतौर पर जो ब्रांड के मोबाइल फ़ोन होते हैं उनमें इंक्लूड किया जा रहा होता है। इसी वजह से जो हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके मोबाइल फ़ोन काफ़ी महंगे मिलते हैं। अगर चाइना कंपनीज की बात की जाए तो वहाँ पर हमारे पास वन प्लस, शाओमी, ओप्पो और कई ऐसे फ़ोन हैं जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर रहे होते। अगर यहीं पर बात की जाए वन प्लस की, वन प्लस के मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप में से अक्सर लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि वो अपने फ़ोन की मार्केटिंग नहीं करते। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जहाँ पर उनके फ़ोन की मार्केटिंग हो रही हो। अगर ज़्यादातर उनकी अपनी वेबसाइट पर इस चीज़ के एड्स होते हैं, इसके अलावा आपको बहुत कम जगहों पर इन चीज़ों के एड्स मिलते हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज या चाइना कंपनीज अपनी मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे होते। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेटजीज़ की तरफ। अब स्ट्रेटजीज़ में यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, एप्पल को पता है कि उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, उनकी बिल्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते हैं। इसी वजह से एप्पल जब चाहे अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने लोगों का एतमाद हासिल किया हुआ है और जब चाहे अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज प्ले करती हैं सैमसंग। लेकिन यहाँ पर जो हमारी चाइना कंपनीज होती हैं, जो नई नई कंपनीज मार्केट में इन हुई होती हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स दें ताकि वो भी बड़ी कंपनीज के तरह उनका एतमाद हासिल कर सकें। आप लोगों में से अक्सर लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि जब भी कोई कंपनी नहीं आती है तो उनकी प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगी होती चली जाती हैं, क्योंकि जैसे ही वो प्रोडक्ट्स आमतौर पर पब्लिक में आ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो कंपनी ये स्ट्रेटजी फॉलो करती है कि अपने प्रोडक्ट्स की कीमत को बढ़ाए और अपने सारे खर्चे पूरे करे। यहाँ पर जो सबसे मेजर फैक्टर है वो कंपनी का साइज़। अब ये आखिरी फैक्टर है कंपनी का साइज़। अब कंपनी का साइज़ किस तरह मैटर करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल का CEO एक माह में जितना टर्नओवर या जितनी पे हासिल करता है, छोटी कंपनीज इतना टर्नओवर पूरे साल में इकट्ठा करती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर गूगल की बात की जाए, गूगल का जो CEO वो कितनी तनख्वाह लेगा, और अगर यहाँ पर अगर हम MCB या किसी बैंक के मालिक की बात करें तो वो कितनी तनख्वाह लेगा, क्योंकि जो लोकल चीज़ है जैसे कि हमारे पास चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ चंद ममालिक तक ही है, लेकिन अगर सैमसंग या एप्पल की बात की जाए तो सारी दुनिया में उनकी प्रोडक्ट्स बिकती हैं और सारी दुनिया में उनका नाम है। अब पाकिस्तान में हर साल कोई ना कोई नई कंपनी आ जाती है। अब नई कंपनी से यहाँ पर मैं इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि हमें ऐसी कंपनीज के नाम सुनने को मिलते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने होते, लेकिन
जैसे अगर आपके पास कोई ब्रांडेड मोबाइल आपके पास आए तो आप देखते ही पहचान लेते हैं कि ये किस कंपनी का है या ये किस कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि हम उनसे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, उनका साइज़ कंपनीज का बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पर जो चाइना प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है वो तकरीबन सेम ही होती है जो सैमसंग या एप्पल की तरफ से आपको मिल रही होती है। अब इसकी वजह क्या है? आमतौर पर जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उनको OEM सर्टिफिकेट हासिल होता है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का सर्टिफिकेट हासिल होता है। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स बना रहे होते हैं उनमें आमतौर पर हमारे पास सैमसंग आ जाता है, HTC आ जाता है या हमारे पास एप्पल आ जाता है। तो यहाँ पर जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर चाइना कंपनीज इन्हीं कंपोनेंट्स को ख़रीद कर अपनी प्रोडक्ट्स में लगा रही होती है। तो इसकी वजह से अगर आपको क्वालिटी की वजह से कोई मसला है या क्वालिटी के बारे में कोई इशू है तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ अश्योर करता चलूँ कि क्वालिटी तकरीबन वैसी ही होगी जैसी सैमसंग की या आपको किसी एप्पल के प्रोडक्ट में मिल जाती है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।